अच्छा दानशु, आज हम क्या कर रहे हैं? यार साथ ये इसको हमने वॉश कर लिया है, ठीक है। इंजन को वॉश कर लिया हमने, और इंजन को वॉश करने के बाद इंजन के जो है पार्ट्स वगैरह ये सब देखो। यहाँ पर करीब ले कर आओ फोन। ये पिस्टन्स हैं, ये इसकी क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक जर्नल्स हैं, ये इसके बैरिंग्स हैं क्रैंक के, ठीक है। वो उसके थ्रस्ट बैरिंग्स हैं, वो उसकी पिकअप ट्यूब है, ऑयल पिकअप ट्यूब, ठीक है। ये गाड़ी का ब्लॉक है, ठीक हो गया। तो अब हम इसका जो है असेंबली वाला काम हमने शुरू कर दिया। तो चलो स्टार्ट यहाँ से लेते हैं कि आपको बताते हैं कि गाड़ी का जो है आप रिंग्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, कौन सी रिंग्स होती हैं, क्या इनका फ़र्क होता है, ठीक है। ये है हमारे पास ऑयल रिंग्स होती हैं, सबसे पतली वाली, इसमें कोई टॉप बॉटम नहीं होता। और इसका हम एंड गैप नहीं बना रहे, रीज़न बींग इज दैट्स को हमने 100 पे तैयार करवाया है। 1.00 बेसिकली इसको लेमैन टर्मिनोलॉजी में इसको 100 कहते हैं, ठीक है। सही है, ये इसके सिलेंडर का साइज़ है और ये सबसे बड़ा साइज़ है, इससे ऊपर कटिंग नहीं होती। सही हो गया। पिस्टन हमने नए परचेज़ किए हैं, कनेक्टिंग रॉड वही यूज़ होते हैं, और ये बैरिंग्स जो हैं ये हमने नए लिए हैं इसकी क्रैंक की कटिंग के हिसाब से। अच्छा, अब जो रिंग्स हैं, रिंग्स हमने ये देखो इसके ऊपर साइज़ लिखा हुआ आता है 1.00, ठीक है। ये आ रहा है, विजिबल है, 1.00, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ की रिंग्स आ रही हैं इसकी ना। तो इसको स्टैंडर्ड मींस कि ये जो 100 के ऊपर ये बनी भी आती हैं, इसको हमें दोबारा से एंड गैप नहीं इसका बनाना पड़ता। तो रिंग्स अब इंस्टॉल करने का तरीका जो है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपके जो रिंग प्लायर और वो रिंग्स को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो तब भी आप कर सकते हैं। एक एंड जो है उसको आपने ग्रूव में डालना है, सबसे नीचे वाले जो ग्रूव हैं, तीन ग्रूव हैं, ये आपके ऑयल रिंग्स के अंदर होती हैं, ठीक है। फिर आपकी कंप्रेशन रिंग, फिर टॉप रिंग। तो ऑयल रिंग को आपने पकड़ना है और इसको आपने यहाँ पर ले आना है, ठीक है। अब एक ऑयल रिंग आ गई, ये होता है स्पेसर बीच में, ठीक है। स्पेसर, ये दो ऑयल रिंग्स, क्योंकि ऑयल रिंग्स जो होती हैं वो एक ही ग्रुप में चलती हैं, उन दोनों के बीच में स्पेस बनाने के लिए होता है, इसको कहते हैं स्पेसर, ठीक है। ये लगता है बीच में, स्पेसर आपने पहले डालना है, देन आपने एक ऑयल रिंग डालनी है स्पेसर के नीचे, ठीक है, और दूसरी ऑयल रिंग डालनी है आपने स्पेसर के ऊपर। मैंने स्पेसर बाद में लगा रहा था तो स्पेसर लग रहा नहीं था, ठीक है। इसका एक एंड जो है पकड़ के ग्रूव में बिठा लेना है, इस पर हल्का सा इसको आपने हल्का सा एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करके, ठीक है। ये आ गई यहाँ पर जगह पे। अभी जो इसकी होती है कंप्रेशन रिंग जो होती है, कंप्रेशन रिंग, अगर आपको नहीं फर्क पता चल रहा कंप्रेशन रिंग या टॉप रिंग कौन सी है, तो आप ग्रूव्स में देखें, ये रिंग इस ग्रूव में चल रही है और ये रिंग इस ग्रूव में नहीं जा रही, इसका मतलब है ये यहाँ पर आएगी रिंग, ये ऊपर नहीं आएगी। इस पर एक नंबर लिखा होता है इन रिंग्स के ऊपर, ठीक है। ये देखो इसके यहाँ पर लिखा हुआ है N100, अगर ये आपकी या विजिबल है तो इस जगह पर लिखा हुआ आ रहा है, तो बहुत इसको बारीकी से देखो तब पता चलता है। तो उसको टॉप पे रखते हैं। इंस्टॉलेशन का सेम प्रोसीजर है, जिस ग्रूव में डालनी है उसमें इसको एक इसका कट जो है आप बिठा लें एक एंड, दूसरे एंड से आराम से इसको एक्सपेंड करें आराम से, और ये रिंग उसके बीच में आ गई। अब इसी तरह ये जो इसकी है टॉप रिंग जो है, इस पे देखो N100 लिखा नज़र आ रहा है,
ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम रखेंगे पिस्टन के टॉप पे रखेंगे, ठीक है। अगेन तो वही तरीका है, इसको यहाँ पर रखें आप, और रखने के बाद जो है थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करेंगे ये अपने रूफ के अंदर बैठती जाएगी।